जामुड़िया ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के पुकार पर खाद्य सामग्री, सब्जियों और बिजली के बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के प्रतिवाद में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें राज्य सरकार से अविलंब सामानों के दामों में बढ़ोतरी को कम कर स्वाभाविक स्थिति में लाने की मांग की गई। इस मौके पर जामुड़िया ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परितोष बावरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, नित्य प्रति व्यवहार में आने वाले सामानों के भाव कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा रही है। सरकार कल्याणकारी भावना के तहत काम करे और दमन तरीके से अपनाना छोड़ दे। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्वनाथ यादव ने कहा कि सरकार की पॉलिसी जनता को राहत देने वाली नहीं है। पूरे देश में पश्चिम बंगाल का बिजली का दर प्रति यूनिट सबसे ज्यादा है। स्मार्ट मीटर आने से मध्यम वर्ग और गरीबों को परेशानी और बढ़ेगी। खाद्य पदार्थों के दामों में सरकार का अब कोई नियंत्रण नहीं रहा, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये सरकार माँ माटी और मानुष की सरकार है। नवान्नों से लेकर पंचायत तक तृणमूल की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। इस अवसर पर उपस्थित थे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रोसेनजीत पुतुंडी, पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सोमनाथ चैटर्जी, जामुड़िया ब्लॉक एक कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष सोरेन चौधरी, पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहम्मद फिरोज खान एवं चंदन शर्मा, जामुड़िया विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिराज, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांति गोपाल साधु, शेख इम्तियाज गंगानोनिया, शेख नाजिर, चंदन धीवर, मोहम्मद मिनाज अंसारी, राहुल रंजन, मिथुन हरिजन एवं अन्य उपस्थित थे। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জামুড়িয়া ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে আজকের মিছিলে দলে দলে যোগ দিন। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জামুড়িয়া ব্লক কংগ্রেসের ডাকা আজকের মিছিলে দলে দলে যোগ দিন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জামুড়িয়া সে দিলীপ সাউ কি রিপোর্ট, পিবি টিভি নিউজ।